तो देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन एनालाइज करेंगे। तो पहले इनिशियल कर लेते हैं, यानी यहाँ पे जो टेंशन है इसको हम लोग मान लेते हैं टी, ठीक है, ओके यस। और यहाँ जो टेंशन है उसको मान लेते हैं हम लोग टी डैश या टी वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी वन। टी वन, तो ये टी वन किसके बराबर होगा? ये होगा के एक्स नॉट के बराबर। अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है एक्स नॉट, तो टी वन किसके बराबर होगा? वो के एक्स नॉट के बराबर होगा। अच्छा, और ये जो टी और टी अगर टी वन है तो ये टू टी इज इक्वल टू क्या होगा? टी वन होगा, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो इस टी वन को उठा के आप यहाँ डाल दो तो आपको मिल जाएगा टू टी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ पे रिलेशन होगा टी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से ये टी को उठा के आप यहाँ डाल दो तो टी कितना होगा? वो होगा के एक्स नॉट बाई टू इज इक्वल टू एम जी, यानी के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg। तो ये हम लोगों ने एनालाइज कर लिया इनिशियल सिचुएशन। अब फाइनल सिचुएशन देखते हैं, तो देखो क्या होगा। अगर इसको आप एक्स नीचे खींचोगे तो ये पुली कितना नीचे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमने एक्स नीचे खींचा, यानी ये स्ट्रिंग x नीचे आ रहा है, राइट, यहां से x नीचे आ रहा है, तो ये जो एक्सटेंशन है x, ये नीचे आया होगा। ये कैसे आया होगा? ये यहां से x by 2 और यहां से x by 2। तो ये जो पुली है, इस पुली को भी कितना, ये पुली भी नीचे आएगा पूरा सिस्टम। तो ये पुली यहां टोटल अगर x by 2 नीचे आता है, यानी ये x by 2 और x by 2, तो ये कितना नीचे जाएगा x। तो यानी यहां का x by 2 और यहां का x by 2, ये इस तरफ आ जाएगा x। तो ये पुली कितना नीचे गया? ये सिर्फ जाएगा x नीचे, x by 2 नीचे। इसको आप कंस्ट्रेंट मेथड से भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मेथड से कैसे? तो देखो वो मैं आपको याद दिलाता हूं। तो यहां पे ये जो पुली है और ये जो स्ट्रिंग है ब्लॉक, अगर मैं ये मान लू, राइट, कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का लेंथ क्या है L1 और इस सेगमेंट का लेंथ क्या है L2, तो मैं आपको सेगमेंट मेथड याद दिला रहा हूं। तो चेंज इन L1, तो मान लेता हूं कि जो पुली है, पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना है, xt है, और जो ब्लॉक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है कुछ x, ठीक है, मैंने x माना है ना x। तो चेंज इन लेंथ 1, यानी सेगमेंट 1 क्या होगा? तो उसके ये जो दो एंड है, ये एंड में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो चेंज जीरो। और ये जो एंड है ये नीचे आ रहा है, और इसके नीचे आने की वजह से इस सेगमेंट का लेंथ क्या हो रहा है, कम, तो माइनस एक्सपी, तो जीरो माइनस एक्सपी, समझ में आपको। अब चेंज इन सेकेंड सेगमेंट क्या होगा इस सेगमेंट में? तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, और नीचे जाने की वजह से इस सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्स। और पुली जो है, यानी दूसरा जो एंड है, एक ये एंड हो गया, दूसरा एंड, दूसरे एंड पे पुली है, और पुली नीचे आ रहा है, और पुली के नीचे आने से ये लेंथ घटेगा, ये जो लेंथ है ये क्या होगा, घटेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्सपी। ये जो टोटल चेंज इन लेंथ है ये जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो आपको मिल जाएगा ये एक्स, ये जो ऊपर का है माइनस एक्सपी, प्लस एक्स माइनस एक्सपी शुड बी जीरो, और एक्स माइनस टू एक्सपी शुड बी जीरो, सो एक्स पुली मस्ट बी एक्स बाई टू। तो यही मैं आपको समझा था कि अगर ये ब्लॉक एक्स से नीचे जाएगा तो ये पुली जो है ये सिर्फ एक्स बाई टू से नीचे जाएगा। ये पॉइंट समझ में आपको। इसको हम कैसे सोच रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली ऐसे सोच सकते थे कि ये जो लेंथ x है ये कहां से आएगा, ये क्योंकि पुली सिमेट्रिकली नीचे आएगा ना, तो अगर हमने इसको भी x और इसको x ले लिया तो ये x + x 2x नीचे जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर ये x नीचे जा रहा है इसका मतलब ये पुली x / 2 नीचे गया होगा, तभी यहां से x / 2 लेंथ का स्ट्रिंग मिलेगा, और यहां से भी x / 2 का लेंथ का स्ट्रिंग मिलेगा, वो मिलकर x होगा, तो वो log x नीचे जाएगा। ये एक तरीका है, नहीं तो आप सेगमेंट मेथड यूज कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुली x by 2 नीचे जाएगा, और स्प्रिंग जो है जिसमें एक्सटेंशन पहले x नॉट था, अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस x by 2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब इसके वजह से चेंजेस क्या आएंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो एक्सप्रेशन है t1 is equal to kx0, तो ये हो जाएगा t1 dash is equal to kx0 plus x by 2, समझ में आपको, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dash is equal to t1 dash, और तो 2t dash और t1 dash ये इसको डाल दो, तो ये हो जाएगा kx0 plus x by 2। समझ में आ गया आपको?
ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है टी माइनस एम जी, ये हो जाएगा टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहां पे अब इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, समझ में आया आपको। तो बस और टी डैश की जगह आप इसका वैल्यू डाल दो, तो दिस डिवाइडेड बाई टू, ये टू यहां जाएगा और टी डैश मिल जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू बाई टू माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के एक्स नॉट प्लस के एक्स बाई फोर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे के एक्स नॉट बाई टू आएगा यहाँ पे, राइट करेक्ट। तो ये जो के एक्स नॉट इसको टू का आप यहाँ ले लो, के एक्स नॉट बाई टू इक्वल टू एम जी हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा के एक्स नॉट बाई टू और एम जी, आपको मिल जाएगा के एक्स बाई फोर इज इक्वल टू एम ए, राइट। और ये रीस्टोरिंग है करेक्ट, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है के बाई फोर एम एक्स, और रीस्टोरिंग तो आप आगे माइनस साइन लगा दो। तो ये जो आप टर्म देख रहे हो ये है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट के बाई फोर एम, और टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा, तो फोर एम बाई के, यानी इनिशियल सिचुएशन और फाइनली जो थोड़ा चेंज है उसका एनालाइज करो, राइट। इनिशियल सिचुएशन हमने एक्सप्लेन कर दिया वेरी सिंपल, और फाइनली जो है ये सब इक्वेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे बस डैश लगा दिया क्योंकि दोनों टेंशन चेंज हो रहा है तो उसका नया वैल्यू आएगा ना, वो चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे हमने बस ये जो इक्वेशन था जो वैल्यूज टी की जगह टी डैश और एक्स नॉट की जगह एक्स नॉट प्लस, जो भी ये चेंजेस हुए वो डाल दिए, और यहाँ भी इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे क्या था टी माइनस एम जी इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो जीरो था, लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि अब ये एक्सेलरेट करेगा, अब यहाँ पे ये टेंशन चेंज हो जाएगा, ये टी डैश हो गया है टेंशन, राइट। तो टेंशन चेंज होगा जैसे नीचे आएगा, तो जब टेंशन चेंज हो जाएगा तो वो पूरा सिस्टम क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, इसलिए टी डैश जो नया टेंशन है माइनस एम जी, ये टी की जगह क्या आ गया है टी डैश आ गया है माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और टी डैश का वैल्यू यहाँ से हमने डाला दिस डिवाइड बाई टू, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो ये हो गया फोर्स मेथड, समझ में आपको, ठीक है।